कैसे पता चले कि अपने सत्य में और कि मैं बाबा से कभी अलग नहीं हुई न हो सकती हूँ अपने गुणों से पावर्स इनसेप्रेबल हैं क्या कसौटी है जिस पर ये निश्चय चेक किया जा सकता है जब संकल्प फीलिंग्स सेंसेशंस, कर्मेंद्रियों का अनुभव मुझे मेरे सत्य से दूर नहीं कर सकता उनका वो पावर खत्म ऑब्जेक्टिव अनुभव मुझे मुझसे दूर नहीं कर सकते ये प्रूफ है कि मैं अपने सत्य को पहचान चुकी हूं मन को बाबा को दे चुकी हूं मन मना भावा हो चुकी हूँ तो मध्याजी बाबा सारे गुण अपनी निजी प्रॉपर्टी लगती है बर्थ राइट है सारे गुण और पावर्स इनफैक्ट मेरे साइलेंस में से ही उनकी पैदाइश हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी आदतें पुराना सोचने का तरीका बंद हो जाएगा वो कंडीशनिंग सामने आएगी बार बार पुराने संस्कारों के और संकल्पों के रूप में पर उनमें पावर नहीं होगी मुझे अपने आप से दूर और परमात्मा से दूर प्रतीत कराने की ये प्रूफ है कि मैं अपने सत्य को जान चुकी हूं बस उसी का स्वरूप हूं आज की मुरली निश्चय पर है राइट इट्स लाइक टू ट्रूली अंडरस्टैंड बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट हु यू आर राइट मतलब एकदम क्लियरली जानना अपने आप को किसी डाउट की परछाई के परे राइट right? तो बाबा कह रहे हैं कि आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं है ना अभी भी जो भी सुन रहा है इसमें दो नहीं हो सकते अब हम उससे भी परे जा रहे हैं राइट कि कौन सुन रहा है वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये कौन सुन रहा है भी शुरू शुरू में यूज किया था हमने अब उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि अब क्योंकि कोई दो जने नहीं है सुनने के लिए एक ही है हुँ? वो वाली बात होती है ना शुरू शुरू में कुछ यूज करते हैं फिर उसकी वो खत्म हो जाता है अगर उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर क्या बोलते हैं एक ने थोड़ा सा इंग्लिश में सुनने ली हाँ तो इट्स लाइक सर्टेन टूल्स यू यूजिंग राइट एंड टूल्स बिकम दो So you let go of those tools, and you use a new pair of tools, more advanced pair of tools. Abiswaleko. <laughs> hmm. So Baba, we are saying that we should look at the capable children. समर्थ मतलब किसी टूल से भी अटैचमेंट नहीं है जिस टूल की जब जरूरत थी उसको यूज किया और अब कोई दो जने नहीं है सुनने वाले की ईगो सुन रहा है कि आत्मा सुन रही है ये भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ईगो होता ही नहीं है है ना हाँ एडवांस्ड विधि पुराना औजार जब खराब हो गया तो नए एडवांस्ड औजार यूज करते हैं उसको छोड़ देते हैं है ना <laughs> हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच जो लिख के भेज रहे हम्म तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है बाप दादा तो बच्चों को वही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है आप बच्चों की पूजा डबल है बाप दादा के सिर के भी ताज हो बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बना हूं क्योंकि संगम युग में ब्रा, बाप ब्राह्मण परिवार रचता है तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है गलत इमेज लगा दी थी ओके okay. <laughs> दोनों आवश्यक है राइट right? तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमें यहां पर कि अपने उस सत्य को जानो समर्थ सत्य को जानो उस स्व को जानो जिसके आधार पर तुम विश्व को भी जानते हो क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सेवा क्या है अपने आप को जानना राइट right? और क्यों सबसे बड़ी सेवा है अपने आप को जानना क्योंकि हम सबके मन कनेक्टेड है अगर मैं आज आत्मा अपने आप को ही नहीं जानती अपने आप को बॉडी और माइंड समझकर चल रही हूं तो सारे माइंड्स जो कनेक्टेड हैं, एट बिलियन माइंड्स उनको भी क्या भाव मिलेगा मुझे चाहे कितना भी कुछ कर लू पर सेवा वो सब आइसिंग ऑन द केक है वो केक तो पहले हो वो आइसिंग ऑन द केक है है ना तो स्व को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवा है क्योंकि जितना मैंने अपने आप को जाना कि मैं एक वो बीइंग हूं जो कि मैटर की बनी हुई नहीं हूँ और मैटर की दुनिया में नहीं हूं मैं वो सागर हूं जिसके अंदर जो लहरें हैं उनसे मैं बिल्कुल पहले अपनी पहचान को पहचानती हूँ अलग हूं और फिर मैं वापस देखती हूँ वो मुझसे बने हुए हैं मैं उनसे नहीं बनी हुई वेरी इंपॉर्टेंट थॉट्स को पहले हम अलग हुए उनको फीलिंग्स को सेंसेशंस को कर्मेंद्रियों को अपने आप से अलग करके देखा पहले हमने बोला आई एम नॉट द बॉडी आई एम नॉट माई थॉट्स एंड आई एम नॉट द वर्ल्ड पहला स्टेप ये है फिर मैंने अपने आप को जाना मेरा ट्रू नेचर क्या है क्या है मेरा ट्रू चे, ट्रू नेचर मैं बीइंग ऑफ लाइट हूं जो कि प्रकाशित करती हूं सारे अनुभवों को राइट right? और जो कि जियदान भी देती हूं सारे अनुभवों को आई आई एलिमिनेट एंड आई एनिमेट मैं जियदान भी देती हूं सारे अनुभवों को वो मैं उनका स्वरूप बन जाती हूं और फिर उनको जियदान देती हूँ अपने आप को जाना अपने नेचर को जाना अब वापस, आई एम द थॉट I am the body and I am the world. तो पहले मैंने बोला I am not the body, I am not the thought, I am not the world. फिर अपने आप को जाना तो पता चला I am the thought means I give life. I am, मैं संकल्प हूँ मतलब मैं ही संकल्प का स्वरूप लेती हूँ मैं ही देह का भी स्वरूप लेती हूँ देह सॉलिड नहीं है वो संस्कारों से बनी हुई है मैं ही देह का भी स्वरूप लेती हूँ और मैं ही दुनिया को भी दुनिया भी मेरा ही स्वरूप है तो संकल्प भी मेरा स्वरूप है दुनिया भी मेरा स्वरूप है और देह भी मेरा स्वरूप है तो पहले तो बोला आई एम नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस फिर मैंने नेचर जाना फिर आई एम दिस दिस एंड दिस ये क्लियर हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हा क्योंकि बॉडीज आर नॉट बोर्न फ्रॉम बॉडीज माइंड्स आर बोर्न फ्रॉम माइंड्स मतलब देह देह से बोर्न नहीं हुए देह ने देह से जन्म नहीं लिया संस्कारों ने संस्कारों से जन्म लिया है right? राइट आपकी बॉडी क्या है बंडल ऑफ संस्कार है ना या और कुछ है बंडल ऑफ संस्कार है कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम पहला स्टेप हमारा यही होता है मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं <laughs> डिस्टेंस क्रिएट किया अपने सत्य को जाना तो पता चला मुझसे ही ये सब बने हुए हैं मुझसे ये सब बने हुए हैं मुझसे ही ये सब बने हुए हैं मैं ही लेती हूँ फॉर्म संकल्पों का भी संस्कारों का भी कर्मेंद्रियों का भी और उससे एक दुनिया की जैसे मेरे ही अंदर प्ले ऑफ फॉर्म्स है आकारों का प्ले है मेरे ही अंदर हां जी अभी आपने कहा ना कि मैं ही सबका फॉर्म लेती हूँ तो प्लीज क्लियर दिस फर्स्ट यू सेट आई एम नॉट दिस देन वी आर सेइंग आई एम दिस एंड मैं ही सबका फॉर्म लेती हूँ सो वी हैव क्लियर द लास्ट पार्ट ओके आई एम नॉट दिस तो सभी को समझ आ ही गया होगा है ना कि मैं ये संकल्प नहीं हूं सेंसेशंस नहीं ये तो फर्स्ट स्टेप है डिटैचमेंट साक्षी पर राइट उसमें हम ये एनालॉजी हमेशा यूज करते थे ये आत्मा और ये आकाश हूँ मैं और ये सारे बादल हैं राइट right? मैं आत्मा अनुभवों को देख रही हूँ इमोशंस को देख रही हूँ पर उनको सफर नहीं कर रही हूँ राइट right? तो ताकि मैं सफरिंग के एक्सपीरियंस से मुक्त हूँ ये पता चले क्योंकि आज जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान को लेते हैं तो हम पूरा एक है अनुभवों के साथ मिक्स्ड हंड्रेड परसेंट मिक्सड जब आते हैं तो भी मैं थॉटी हूं तो भी मैं, दुन, मैं मुझे लगता है मैं, मैं दुनिया के अंदर फंसी हुई हूं और मुझे लगता है मैं शरीर हूं राइट right? शुरू शुरू में आते हैं तभी भी पर वो संकीर्ण रूप से है वो मिक्स्ड फॉर्म है राइट right? आकाश और बादल का फिर हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि इससे पता चले कि आकाश मैं हूं जो चेंज नहीं होता और बादल मैं नहीं हूं जो चेंज होता रहता है राइट right? ये पहला एग्जाम्पल राइट right? हमारा फिर हम बोलते हैं हमारा जॉब थॉट एक्टिविटी को रोकना नहीं है है ना थॉट एक्टिविटी चलती रहेगी है ना बट हमें ये देखना है कि मैं अपने संकल्पों की जो भी वो बात कर रहे हैं उनको बिलीव नहीं कर उनका विश्वास नहीं करूं राइट क्योंकि जब मैं उसका विश्वास करती हूं कि ये थॉट ही मैं हूं तो मैं श्रिंक होकर 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 एक सॉलिड बॉडी बन जाती हूं क्योंकि शरीर किससे बना हुआ है संकल्पों से तो जितना संकल्प मैं हूं तो वो सॉलिड मैटर की तरह बॉडी होती जाती होती जाती और मैं बॉडी की थॉट्स बन जाती हूं और मैं अपना पावर दे देती हूँ सारे संकल्पों को अपना बिलीफ देकर मैं ही सारे पुराने संस्कारों के आधार पर जो संकल्प आते हैं उनका स्वरूप बनकर फिर जीती हूँ मैं ये बॉडी मैं ये नाम मैं ये रूप मैं ये मम्मी uh, मैं ये औरत मैं ये डाउटफुल uh, पर्सन मैं ये हैप्पी पर्सन मैं ये एक्साइटेड पर्सन मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर यही होता है ना ये मुझे इल्यूजन में लॉस्ट रखते हैं भ्रम में खोई रहती हूं राइट इज दैट ट्रू सोफा तो पहले हम ये देखते हैं मैं थॉट्स चूज नहीं करती सबसे पहला स्टेप यही है मैं थॉट्स को चूज नहीं करती वो स्क्रिप्ट के अनुसार अपने आप आते हैं और जाते हैं पहला स्टेप जब ये स्टेप क्लियर हो जाता है तो हम फिर देते हैं सागर का और वेव्स का एग्जाम्पल ऐसे तो बहुत सारे दिए पर अभी हमने कुछ सेलेक्ट किए ओके तो सागर और वेव्स का एग्जाम्पल राइट right? फिर जब सागर और वेव्स को देखते हैं तो देखते हैं मैं सागर हूं ये थॉट है क्या चीज क्या है ये थॉट क्योंकि निश्चय चाहिए ना बाबा ने कहा है कि भाई ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही निश्चय है तो मैं जो अपने आप को समझ कर चल रही थी अब अलग हो गई मैं चेंजलेस आकाश हूँ और चेंजफुल थॉट्स जो क्लाउड्स हैं वो मैं नहीं हूँ बादल मैं नहीं हूं चेंजफुल तो ये थॉट्स बने हुए किसके हैं ये किसके बने हुए हैं थोड़ी सी भाई आपको इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना ऐसे ही थोड़ा ना बोल दिया और मान लिया इन्वेस्टिगेशन अपना आधार अपना अनुभवी तो है नहीं है तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये थॉट्स है क्या चीज ये बना हुआ किससे है अच्छा थॉट किससे बना हुआ है सागर की लहरें हैं लहरें किससे बनी हुई है कहीं बार अलग पड़ी है लहरें <laughs> समंदर से बाहर है <laughs> हाँ पानी से ही बनी पानी है पानी से से आत्मा से, से. सागर से ही बनी हुई है पानी से ही बनी हुई है राइट तब हमें ये पता चलता है कि ये थॉट्स कोई अलग अब वो आकाश वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब वो मेटाफोर आगे नहीं चल सकता उसकी हद उतनी ही है ओके अब हम आते हैं सागर पर <laughs> वही पे मत टक जाना कि वो आकाश और वो बादल है वो ठीक है वो पहले पहले जरूरी था पर अब हम आते हैं सागर और लहरें हाँ तो जब देखते हैं कि सागर मैं हूं और जो लहरें हैं वो संकल्प है ये संकल्प कोई बाहर से नहीं किसी ने डाले मेरे सिर के अंदर ये संकल्प मेरे ही अंदर उत्पन्न होते हैं और मेरे ही अंदर मर्ज हो जाते हैं एक संकल्प ही एक टाइम पे आ सकता है वो संकल्प मेरे सामने आता है और उसी जगह मर्ज हो जाता है है ना वेव्स आती हैं और मर्ज होती है सागर में आती हैं और मर्ज होती हैं, राइट तो संकल्प क्या कर रहे हैं एक एक सागर जो है वो एक सीमलेस फ्लो है सागर एक सीमलेस मतलब कोई बॉर्डर्स बाउंड्री नहीं है सागर में यहाँ पे ये वेव स्टार्ट होती है यहाँ पे ये वेव खत्म होती है ऐसे है क्या किसी ने आज से वेव से पूछा है वेव तुम कहां स्टार्ट होती हो और कहाँ खत्म होती हो <laughs> वेव से पूछा है कभी <laughs> नहीं ना तो वेव्स किसने क्रिएट किए हमारे थॉट ने क्रिएट किए सागर तो एक समान था फिर उसमें वो अपने खेल खेल रहा था अपनी एक्टिविटी कर रहा था उसको थॉट ने आकर नाम दे दिया ये वेव्स है ये करंट्स हैं करते हैं हाँ तो हम जानते हैं कि ये वेव्स हैं, ये करंट्स हैं, ये कल्पनाएं है, ये, कल्पना है, ये धाराएं हैं और ये लहरें हैं नाम दिए अलग अलग डिस्क्राइब करना शुरू किया थॉट ने है ना तो हमने देखा ये सब डिस्क्रिप्शन थे थॉट के ना कोई लहरें नाम दिया है सागर से पूछो तो उसको नहीं पता लहरें क्या होती है और सागर से पूछो तो उसको नहीं पता धारा क्या होती है सागर को बस इतना पता है मैं सागर हूं और ये सब मेरी ही एक्टिविटी है दैट्स ऑल सागर नो नहीं तो अब हम धीरे धीरे उन थॉट्स को अपने अंदर देखते हैं कि ये मुझसे बने हुए हैं और मर्ज हो रहे हैं मेरे ही अंदर मुझे डिफाइन नहीं करते लहर में सागर नहीं है सागर से लहर बनी हुई लहर से सागर नहीं बना हुआ है अब ये पता चलता है तो मैं संकल्पों से नहीं बनी हुई हूं संकल्प मुझसे बने हुए हैं ये पता चलता है राइट right? छोटा सा एग्जाम्पल थॉट आया ओ हो मेरे आ, क्या होता है मेरे जॉब का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा या मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक तो जा रहा है मान लीजिए ये थॉट लहर आई तो पहले हमने बादल से अलग हुए मैं चेंज हूं ये बादल जो है ये चेंज होता रहेगा अभी कुछ और थॉट आ जाएगा जॉब अच्छी हो जाएगी तो कुछ और थॉट आ जाएगा ये तो चेंज होता रहेगा ये मेरा नेचर नहीं है मैं तो चेंजलेस आकाश हूँ पर अब मैं देखती हूँ अब वहीं पे नहीं रुक जाना है वहीं पे रुक गए ना तो रिजेक्शन ऑफ लाइफ शुरू रहेगा रिजेक्ट नहीं करना है लाइफ को बट वो समझना है और वो कई बार यूज भी होगा पूरे दिन में पहले अलग होते हैं फिर हम देखते हैं अच्छा ये भी जो बने हुए हैं ये जो लहरें आ भी रही हैं ये मेरे ही तो अंदर है कोई बाहर थोड़ी ना है कुछ है ना फिर मैं देखती हूँ कि मैं जो सागर हूं मेरे में समाने की शक्ति है कोई भी अच्छे बुरे संकल्प आए मुझमें वो लेबल और डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं सागर डिफाइन नहीं करती हूँ डिस्क्राइब नहीं करती हूँ कि ये लहर अच्छी है इसको रहने दो ये लहर खराब है इसको जाने दो ऐसे नहीं करती मैं मैं तो सागर हूं कंप्लीट प्योर अलाउंस राइट मैं अलाउ करती हूं मैं उनको मेरे अंदर इमर्ज और मर्ज होने देती हूं है ना ये मेरी वजह से इनका एग्जिस्टेंस भी है और अगर मैं आज अलाव नहीं करूं तो ये आएंगे भी नहीं तो जब तक मैं येस नहीं बोलूंगी इन सारे अनुभवों को बेचारे आ भी नहीं पाएंगे तो मैं ऑलरेडी हूं मैं एवर प्रेजेंट हूं और मेरे अंदर ये लहरें आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं पूरा पूरा फ्रीडम है उनको मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मेरे ट्रू नेचर में है ऐसे ही अब मैं पहचानती हूँ ये 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 पहचान दूसरों को देखना उनके बारे में है तो कोई नाम नहीं है कोई रूप नहीं है कोई जगह नहीं है कोई प्लेसेस नहीं है क्योंकि जगह भी मेरे मन की रचना है तो मैं सागर मैंने मेरे अंदर संकल्पों और लैंग्वेज के माध्यम से कितना कुछ क्रिएट किया है ना? Blueprint है ना ब्लूप्रिंट है लैंग्वेज की भाषाओं की मेरे अंदर और मैंने उसे कितना कुछ क्रिएट किया है मेरे अंदर है ना है ना मन जब तक चाहे आ नहीं सकता मीन्स मन जब तक चाहू आ नहीं मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन वापस लिखेंगे आप तो ये जब हम समझ जाते हैं कि ये जो थिंकिंग है मेरी एक्टिविटी है जैसे लहरें हैं आत्मा की सागर की एक्टिविटी है थिंकिंग मेरी एक्टिविटी है कर्मेंद्रिया मेरी एक्टिविटी है वो मुझसे बने हुए हैं मैं उनसे नहीं बनी हुई हूं ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है अब वो मेरे हां जी का मतलब ये हुआ ना कि स्क्रिप्ट मेरी ही रचना है स्क्रिप्ट मेरे अंदर प्रीफिक्स्ड है रचना नहीं है मेरी प्रीफिक्स्ड है है ना स्क्रिप्ट प्रीफिक्स्ड है वो मैंने नहीं लिखी बैठकर इसलिए हमने चूज नहीं किए थॉट्स, हमने सबसे पहला स्टेप यही देखा था हमने चूज नहीं किया क्योंकि वो फिक्स्ड है राइट वो लहरें कैसे वो लैंग्वेज और भाषाएं कौन क्या सीखेगा वो सब फिक्स्ड है राइट right? तो जब पहला स्टेप क्लियर हुआ अब दूसरे स्टेप में हमने उसको अपने अंदर समाया और अपना ट्रू नेचर ऑफ प्योर अलाउंस को जाना कि मैंने ही उनको प्रकाशित किया है सारे अनुभवों को मैंने ही उनको क्योंकि बादल और आकाश में क्या है आकाश ने बादल को क्रिएट नहीं किया है या yeah? तो वो एग्जाम्पल की वो एनालॉजी की एक लिमिट है पर सागर जगह जब हम एग्जाम्पल लेते हैं उसमें सागर ने ही लहरों को जान दी है ना अपना अपना अम, क्या बोलते हैं इल्यूमिनेट किया है प्रकाशित किया है अपनी जान दी है अपना बिलीफ दिया अपने से बनाया है पैदा किया है बट स्क्रिप्ट के अनुसार राइट right? वो सोचता नहीं ओह मुझे ये लहर को ऐसे लाना है फिर इस लहर को नीचे लाना है फिर इस लहर को ऊपर लाना है ऐसे सोचता नहीं है वो अलाउ करता है अलाउ करता है प्योर अलाउंस दोनों एग्जाम्पल्स के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है क्योंकि हर एक की भी हद होती है, हम्म? तो ये दोनों का डिफरेंस पता हो पहले तो पहला भी यूज करते हैं दूसरा भी यूज करते हैं अपनी अपनी जगह दोनों सही है पर मोर एडवांस्ड लहर और समंदर है उसके बाद जब मुझे पता चलता है मैं तो एक सीमलेस फ्लो हूँ पर मेरे अंदर कई प्रकार के लहरें और जो नाम दिया है मन ने जैसे कि एक चीज को बाहर निकाल कर जैसे कि एक अलग पहचान दी है अब लहर और धारा कोई अलग चीज नहीं है सब समंदरी है पर उसको एक अलग आइडेंटिटी दे दी है अब मेरा स्वप्न का एग्जाम्पल आता है लास्ट में है या डबल हेडेड जो भी है वो तो और भी थोड़ा रिफाइंड हो जाता है स्वप्न से पर स्वप्न का एग्जाम्पल आता है अब उसमें हम देखते हैं कि मैं जो आत्मा हूं मेरे अंदर प्ले ऑफ फॉर्म्स चल रहा है जैसे स्वप्न में चलता है सब लहरें प्ले ऑफ फॉर्म्स हैं आकारों का खेल है मेरा ही मन जब मैं आत्मा अपने हद के मन के थ्रू अपने कर्मेंद्रियों के थ्रू देखती हूं तो मेरे ही अंदर एक आकारों की दुनिया क्रिएट होती है मेरे ही अंदर आकारों का खेल क्रिएट होता है ट्रू आकार है नहीं पर मेरे ही अंदर सब कुछ क्रिएट होता है तो उससे पता चलता है तो ये जो बॉडी भी है ये सिर्फ एक आकार का खेल है संकल्पों से बना हुआ संस्कारों से बना हुआ एक रियल लुकिंग प्ले ऑफ संस्कार है तब ये जो बॉडी की मैं बॉडी हूं अब बॉडी मेरा सत्य का स्वरूप ले लेती है पहले मैं बॉडी थी मैटर की अब मेरी बॉडी किससे बनी हुई मेरे ही संस्कारों से और मेरे ही संकल्पों से पहले मैं बॉडी नहीं हूं क्योंकि वो मैटर की बनी हुई है वो उस बिलीफ सिस्टम से बनी हुई है अब मेरी बॉडी मुझसे बनी हुई है अब मैं बॉडी का स्वरूप लेकर मेरा बॉडी मेरा स्वरूप लेकर मैं उसको यूज करती अब मेरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई पहले थी एकदम सॉलिड कंक्रीट पत्थर की बनी हुई और अब बॉडी किसकी बनी हुई है मेरी ही लाइट की बनी हुई है मेरे को पहचानने के बाद ये क्लियर हुआ सोनाली बोल पूछेंगे क्या नहीं क्लियर हुआ hmm. शांति देवी आपने एक सेंटेंस बोला कि चैट uh, Uh, मैं जब तक चाहू थॉट्स आ नहीं सकते uh, while you were explaining, तो उसका मीनिंग क्या है थॉट्स तो स्क्रिप्टेड है ना वो ऑटोमेटेड है ना हाँ तो पहले जब हम देखते हैं आकाश और बादल है ना? उस वक्त तो स्क्रिप्टेड है थॉट्स, मैं चूज नहीं कर रही राइट अब मैं सागर पहचान गई थॉट्स मुझसे ही बने हुए हैं वो कोई थॉट थॉट भी नहीं है थॉट सिर्फ एक श्रृंखला है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की एब्स्ट्रैक्ट um, कल्पनाओं की जो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है इस वर्ड का मीनिंग ये होगा hmm. हाँ तो ऐसा नहीं है कि पहले ये चीजें हैं उसके बाद हमने उसको नाम दिया है ऐसे नहीं है पहले हमने नाम दिया है और फिर उसके बाद चीजें क्रिएट हुई ओके राइट लैंग्वेज से क्रिएट हुआ है पूरा ये

और स्पेस और टाइम एक एक चीज को डेप्थ देकर हाइट देकर लेंथ देकर हर एक चीज को हमने एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दे दी है राइट right? और उससे फिर हमारे ही अंदर एक इमेजेस uh, की दुनिया बनाई है हमने राइट अब जब मुझे ये पता चलता है तब अब पुराने आधार पर जो संकल्प आते हैं अभी भी आएंगे बंद नहीं होंगे क्योंकि बस मैं जान गई हूं मैं कौन हूँ आएंगे अभी भी है ना अब जब वो आएंगे मैं उनको अपनी ऑटोमेटिकली जान नहीं दूंगी कि मुझे पता ये मेरे मेरा नेचर ही नहीं है राइट ऑटोमेटिकली जान दैट इज व्हाट इट मीन मैं किसको प्रकाशित करूंगी मैं किसको अपना पावर ऑफ बिलीफ दूंगी क्योंकि मुझे ही संकल्प का फॉर्म लेना होता है और फिर मैं उसका फॉर्म लेकर उसको एक्सपीरियंस करती हूँ उसके माध्यम से उस संकल्प के माध्यम से फिर मैं दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ अपने ही अंदर फॉर्म्स और प्ले ऑफ फॉर्म्स बदल जाता है स्वप्न में जैसे होता है ना स्वप्न इसीलिए स्वप्न का एग्जाम्पल स्वप्न में कैसे जो ड्रीमर है किसी संकल्प और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही तो अपने अंदर दुनिया को देखता है ना अलग पर वो कर्मेंद्रिया जो उस ड्रीमर के ड्रीम से बाहर की दुनिया का कर्मेंद्रिया नहीं है अलग ही कर्मेंद्रिया टाइम स्पेस अलग ही क्रिएट होता है अंदर स्वप्न में कुछ राइट right? तो इसलिए आ, हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है भाववाचक अच्छा हाँ भाव से हमने सबने मिलकर एक भाव से बनाया है भाषाओं को राइट right? तो जब ये क्लियरली हम समझने लगते हैं कि जो भी संकट बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं इसको समझने वाला कौन है वो भी एक संकल्प है है ना तो किसी ने ना मुझे फोन पे ना मैसेज भेजा और उन्होंने कहा सिस्टर आज तो मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ और आज मुझे बहुत कंपैरिजन आ रहा है अब मैं क्या करूं अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं उसको है ना अब वो बहुत ज्ञान में है सिस्टर हाँ और बहुत डीप प्रैक्टिस है उनकी अटेंशन है उनका हाँ पर आ, पर ये चीज उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था मुझ में है। हा? कि ये कहां से आ गई बात ये पता ही नहीं था ये मुझ में मैंने कहा अच्छा तो उन्होंने कहा मैं साक्षी भी हो रही हूं मैं देख भी रही हूं कि ये मैं नहीं हूं मैं मेरा नेचर तो चेंजलेस है ये तो चेंजफुल एक्टिविटी है माइंड की ये तो चेंज हो जाएगी अपने आप कहीं ना कहीं फिर मैंने कहा अच्छा आपने सागर को भी देखा होगा वो सिर्फ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहा उसको समा रहा है अपने अंदर कि तुमको जब तक रहना है रहो जाना है जाओ रहना है रहो वो तुम्हारी इच्छा मुझे पता है कि तुम तुम मुझसे ही बने हुए हो है ना तुम स्क्रिप्टेड माइंड से आए हो कंडीशन माइंड से तुम आए हो तुमको जब जाना होगा तुम जाओगे मेरा नेचर तो जो है प्योर अलाउंस का मैं तुमको अलाउ कर रहा हूं है ना तो हमने उसके ऊपर थोड़ा उनको बोला कि नहीं बाबा के साथ बैठो और देखो बाबा क्या देख रहा है तब हमें सागर पता चलता है बाबा सागर है प्रेम का क्या वो उस थॉट से घृणा कर रहा है नहीं क्या वो उस थॉट को बोल रहा है हट जा नहीं क्या बाबा उस थॉट को बोल रहा है कि खराब हो तुम क्यों आए नहीं बाबा क्या बोल रहा है बच्ची अपने आप को देख ऑब्जेक्ट्स की तरफ नहीं देखना थॉट्स की तरफ मत देख तू मेरी तरफ देख तुम मुझे देख और अपने आप को देख है ना तो आत्मा ने दो डायरेक्शन होते हैं ना एक होता है ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाना एक होता है अपनी तरफ अटेंशन देना हम कई बार फीलिंग और इमोशन को हटाने में लग जाते हैं और अपनी तरफ अटेंशन नहीं रखते लहर को हटाने में लग जाते हैं बादल को हटाने में लग जाते हैं उस तरफ नहीं देखना अपनी तरफ अटेंशन रखना तो तुम अपने नेचर को देख रही हो तो क्या दिख रहा है तुम्हारा नेचर क्या है? और पावर लाइक बाबा हाँ हाँ पीस लव नहीं थोड़ा और थोड़ा और Total आपकी शांति हर्ट नहीं हो सकती अब आप देखो उस स्मृति से वो थॉट बना हुआ किससे है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है abstract. उसको वो थिंकिंग प्रोसेस था वो थॉट भी थॉट नहीं था सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस था वो ऑब्जेक्ट नहीं था एक प्रोसेस था है ना उसको हमने एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट बना दिया पर वो ऑब्जेक्ट था नहीं वो एक प्रोसेस था अब उस प्रोसेस को देखो आप प्रोसेस किससे बना हुआ अगर प्रोसेस को टच करोगे तो वो किससे बना हुआ है थिंकिंग का प्रोसेस नोट थिंक टू टच कुछ भी नहीं है सिर्फ आत्मा ही है पानी ही है कुछ है ही नहीं तब उसने देखा कि अच्छा तो ये जेलसी जेलसी नहीं है मैंने कहा नहीं ये लेबल लेबल नहीं है हटाओ थोड़ा लेबल को अब उसके भी उसको भी उसके भी डेप्थ में जाओ उस थॉट के भी तो आपको दिखेगा आप ही हो प्रेम का सागर कोई कोई डिविजन्स नहीं है वहां पर कि इसको जेलसी बोलेंगे इसको कंपैरिजन बोलेंगे इसको कंपटीशन बोलेंगे इसको ये बोलेंगे ये सब कुछ भी नहीं है वहां पर वहां पे सिर्फ प्लेन वाटर है उसने देखा कि हाँ एक्चुअल में ये तो सिर्फ और मैं बलि पर सेंसेशंस बहुत हैं है ना मैंने कहा अच्छा सेंसेशंस पर से भी कहानी हटाओ थोड़ी जो कहानी एसोसिएटेड है साथ में भले ही आपके ऑफिस में किसी को जो भी उनका स्टोरी थी ऑफिस में उन्होंने कुछ काम किया वो काम का श्रेय किसी और ने ले लिया हम्म और श्रेय को लेकर अपना नाम लगा दिया उसके ऊपर मैंने कहा वो आपकी चेकिंग करानी ना आपने सोचा मैंने किया पहली बात तो आपके थॉट बोल रहे मैंने किया था उसने मेरी चीज ले ली <laughs> पहले तो आप ये देखो मैंने किसने क्या किया पहले ये थॉट को देखो ये किससे बना हुआ है ये मैं कौन है यहां पर उस मैं की डेप्थ में जाओ थोड़ा तो वो मैं की डेप्थ में गई तो बोले एक्चुअली मैं, मैं ही हूं जो प्योर बीइंग है और दूसरा तो मैं कोई है ही नहीं सेपरेट आइडेंटिटी तो है ही नहीं मैंने कहा जब तक आप नॉन एग्जिस्टेंस नहीं देखोगे इस सेपरेट आइडेंटिटी का तब तक फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस पे काम करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो आते ही रहेंगे ये बंद होगा थोड़ा फिर दूसरा आ जाएगा तीसरा बंद होगा चौथा आ जाएगा thoughts, feelings, को हटाने पर काम नहीं करना है सेपरेट आइडेंटिटी जिसके आधार पर वो थॉट आ रहे वो नॉन एग्जिस्टेंट है वो मुझसे ही मेरे ही अंदर लहर भी नहीं है वो तो इमेजिनेशन ही है बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर तब निश्चय आपका आपके सत्य में खुलेगा निश्चय ऐसे ही नहीं आ जाता है मैं बॉडी हूं और मैं ये सेपरेट आइडेंटिटी हूं तब तक तो निश्चय आ ही नहीं सकता कितना भी कर लो आप मेहनत ज्ञान में जब तक मैंने नॉन एग्जिस्टेंस नहीं देखा इस सेपरेट आइडेंटिटी का और जब तक ये नहीं समझा कि ये बॉडी मैटर की नहीं मेरे संस्कारों से बनी हुई है मुझसे ही बनी हुई है तब तक पूरा पुरुषार्थ गोल-गोल घूम के हेमस्टर ऑन द व्हील छूआ नहीं होता घूमता रहता है अपने व्हील के यहाँ पर है ना हेमस्टर ऑन व्हील बोलते हैं क्या बोलते है? एक चूहा होता है एक व्हील के ऊपर घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है राउंड एंड राउंड एंड राउंड राइट दीदी आपने जब बोला कि नाउ माय बॉडी इज ट्रांसपेरेंट मोर एंड लाइट से बनी है सो व्हाट वाज दैट यू मेंट टू से वो मैं अपने संस्कारों के थ्रू देख सकती हूं अपने आप को ओके okay. क्योंकि अपने आप को देखने के लिए मैं संस्कारों हो, क्या होता क्या है अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब सुनना ध्यान से है ना ये 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 चित्र इस चित्र में ही दिखाती हूँ ये इसलिए हम डबल हेडेड इसमें यूज होता है है ना ये है चेहरा राइट right? ये है बीच में थॉट्स इमोशंस कर्मेंद्रिया और ये बॉडी जो आपने अगर किसी ने वो क्लास देखी होगी ये बॉडी जो है ना इसके अंदर हमने आत्मा को दिखाया था राइट right? और पीछे जो है वो है आत्मा और परमात्मा राइट एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड हमने ये भी कहा था कि इस एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड के अंदर ही ये पूरे संकल्पों की रचना और संस्कारों की रचना वाली दुनिया है ना इतना राइट okay. right? अब जब तक मैं आत्मा मैं मुझे मैं आत्मा लेंस के थ्रू देखती हूं फिल्टर के थ्रू देखती हूं राइट अगर वो फिल्टर मैं बॉडी हूं और वो फिल्टर मैं थॉट हूं तब तक मैं लिमिटेड बॉडी हूं मैटर की बनी हुई और एक लिमिटेड वर्ल्ड है मेरे बाहर मैटर का बना हुआ उस आधार पर मैं आंखों के पीछे हूं मैं शरीर के अंदर हूं राइट मैं स्पेस और टाइम में हूं उस थॉट के आधार पर जब तक मैं देखूंगी मैं अपने आप को भी और दुनिया को भी उसी नजर से देखूंगी सब कुछ अलग, अलग 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 दिखेगा सारे लोग की बॉडीज अलग 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 दिखेगी आत्माओं की सब कुछ सेंस ऑफ सफरिंग अब मैं अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में ये आगे के चेहरे से ड्रीम कैरेक्टर के थ्रू खुशी ढूंढूंगी मेरी दुनिया में मैं खुशी ढूंढूंगी मैं लॉस्ट हूँ मैं आत्मा एंटर हुई हूं एम के दरवाजे से और वो एम श्रिंक होकर मैटर का बन गया श्रिंक होकर माइंड का बन गया थॉट्स का बन गया और उस अनुसार मुझे दुनिया महसूस होने लगी राइट right? कर्मेंद्रियों का बन गया राइट right? अब बाबा कह रहे हैं तुम जो आत्मा हो अब सुनने वाला तो ये आगे वाला चेहरा है क्योंकि अभी हम वो बन चुके हैं सॉलिड काला वाला चेहरा हाँ सॉलिड काला चेहरा बन चुके हैं थॉट और मैटर का बनावा माइंड और मैटर की बनावा वो मैं हूं रीनी किसकी बनी हुई माइंड और मैटर और नाम रूप नाम दिया लेबल रीनी पर माइंड और मैटर की बनी हुई है ना अब बाबा के पास ज्ञान में आते हैं और बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो निराकारी हो कोई फॉर्म्स वॉर्म्स नहीं है हा? पर होता क्या है संकल्प आते हैं मैं संकल्पों की तरफ जाती हूं अच्छा ये संस्कार आया मुझे संस्कार को चेंज करना है मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है मेरे अंदर लस्ट का संस्कार है मेरे अंदर जेलसी का संस्कार है मेरे अंदर लेजीनेस का संस्कार है इन संस्कारों को परिवर्तन करना है मुझे ताकि मैं अपने आप को ढूंढ सकू तो मैं क्या है काले चेहरे के थ्रू मैं थोड़ा और दूर चली गई अपने आप से मैं पास में नहीं आई अपने मैंने सोचा मैं यहां हूं और संस्कार जो है मेरे मन में यहां अंदर बैठे हैं मेरे और मुझे बदलना है और बाहर एक दुनिया है और मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है तो मैं उस तरफ जाने लगी और थोड़ा दुनिया की तरफ जाने लगी अब एक्चुअल में करना क्या था कि मुझ आत्मा को पीछे की तरफ आना था मैं जा रही थी ऑब्जेक्ट संस्कारों की तरफ संस्कारों से युद्ध ड्रामा मैटर का बना हुआ है रियल है अलग अलग चीजें जो दिख रही है वो भी रियल है अब मुझे उससे अलग होना है हो सकते हैं रियल रियल दिख रहा है वो जैसे मतलब वो मैटर का बना हुआ दिख रहा है उससे अलग हो सकते हो क्योंकि जब तक मैं अपने आप को मैटर की बॉडी देखूंगी उसको भी मैटर की दुनिया देखूंगी देर इज नो पॉसिबिलिटी द एंटायर रीजन फॉर सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस इज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड मैटर एज रियलिटी समझ में तो सब आ रहा है ज्ञान पूरा जो क्लासेस में है वो वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहा है अगर अंडरस्टैंडिंग है उसका ऑटोमेटिक रियल अंडरस्टैंडिंग है तो उसका ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा माइंड की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हम आत्मा की अंडरस्टैंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन करता है सारा टाइम पूरे दिन वो रियल अंडरस्टैंडिंग कर रहा है सिर्फ क्लास को पढ़कर सुनकर समझने से नहीं आत्मा की अंडरस्टैंडिंग तो फिर अंडरस्टैंडिंग तो है फिर आगे क्या होगा उसका अगर अंडरस्टैंडिंग है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा तो जो मैटर की दुनिया है वो मैटर की नहीं लगेगी देखते हुए जो दिख रहा है वो नहीं लगेगा सुनते हुए exactly. exactly exactly फिर जो देखते हुए नहीं दिखेगा सुनते हुए नहीं सुनाई देगा तो वो होता है दीदी इंटरमीडियंटली होता है पर बीच बीच में फिर कभी कभी मैटर की भी लगने लग जाती है थोड़ा ऐसा लग लग okay. ऐसा लगेगा कि मैं पीछे के चेहरे से आगे के चेहरे में आ रही हूँ आगे के चेहरे से पीछे के चेहरे में जा रही हूँ एंड दैट्स ओके वो शुरू शुरू का होगा है ना बट देर कम्स अ टाइम जब मैं पीछे के चेहरे में ही रहती हूँ दूर नहीं है जर्नी कितनी है एक थॉट की जर्नी है थॉट भी नहीं है बीच में ऐसे नहीं कि मैं थॉट करूंगी फिर मैं वहां पहुंचूंगी दैट्स नॉट वॉट वी मीन की थॉट की जर्नी है कि एक thought के से मैं अपने आप पर पहुंचूंगी नो 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 दीन मतलब एक थॉट नहीं मुझे अलग कर रखा है मुझे अपने सत्य से दट्स वॉट वी मीन है ना okay. तो हा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ तो ये हाँ ब्यूटीफुल उन्होंने चित्र डाला है ना चैट में और ये जो दिख भी रहा है कि आत्मा को अपने इन संस्कारों के थ्रू सेंसेशन के थ्रू जाना होगा तब वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं उस संस्कार को हटाओ मिटाओ की तरफ गए लड़ाई की उनसे तब तो और फंसोगे पर आप उनके थ्रू जाना होगा मतलब आत्मा को उसके थ्रू अपने आप को देखना होगा जैसे कि ये चेहरे से ही उसके थ्रू में अपने आप को देख रही हूँ काले वाले चेहरे के थ्रू में अपने आप को देख रही हूं बट उसको उसको लिटरली हमें ये देखना होगा कि ये संकल्प ये फीलिंग्स इसलिए हम बोले ना पहला स्टेप संकल्प फीलिंग्स इमोशंस मैं नहीं हूं इट हेल्प्स मी सी माय सेल्फ बियॉन्ड माय माइंड एंड बिफोर माय माइंड ये मुझे मदद करते हैं मुझे मन के पहले और संकल्पों के पहले देखने में अपने आप को मैं जानती क्योंकि माइंड के थ्रू मैं अपने आप को नहीं जान सकती माइंड तो लिमिटेड है मन बुद्धि संस्कार आज सब लिमिटेड है उसके थ्रू मैं अपने आप को जान ही नहीं सकती मुझे अपने आप को अपने उस सत्य को जानना होगा जो संकल्पों से परे का सत्य है पहले है ना तो इसलिए इकबाल से अमिताभ की जर्नी थॉट मैं थॉट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस को नजरअंदाज मैं कौन हूं अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो संकल्प नहीं है कर्मेंद्रिया नहीं है तो मैं कौन तो हमने उनको ये कहा आपको जेलसी दिख रही है कॉम्पिटिशन दिख रहा है पहले ये सब को एक तरफ रखो बाबा को सरेंडर करो और देखो कि आप कौन हो अगर ये सब थॉट्स ही नहीं होते और कर्मेंद्रिया ही नहीं होती तो आप कौन हो तो उन्होंने बताया कि मैं चेंजलेस काय हूं राइट मैं चेंजलेस काय हूं बट फिर भी सिस्टर सेंसेशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं फील हो रहा कि मैं चेंजलेस का बोल तो रही हूं मैं चेंजलेस का हूं पर मैं नहीं हूं अच्छा तो सेंसेशंस का काम क्या था क्यों सेंसेशंस हमें दी गई हैं सेंसेशंस का एक्सपीरियंस क्यों ओशन ने क्रिएट किया है रीजन क्या है सेंसेशंस का

उ एक्चुअली फंक्शन है टू मेक एक्सपीरियंस फील रियल अगर जेलसी है सिर्फ थॉट से नहीं होगा सेंसेशन के साथ कंबाइन होगा तब जेलसी रियल फील होगी इज इट ट्रू या जब तक ये ट्रुथ नहीं समझा तब तक जब तक सेंसेशंस की रीजन क्या है ये नहीं समझा तब तक सेंसेशंस एक प्रॉब्लम रहेगी मेरे लिए क्योंकि थॉट के लेवल पे तो फिर भी हम कर लेते हैं पर सेंसेशन के लेवल पर इट रिक्वायर्स अनदर लीप ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्योंकि लस्ट भी सेंसेशंस में फील होती है थॉट तो फिर भी हम कर सकते हैं सेंसेशंस के लेवल पर लस्ट फील होती है सेंसेशंस के लेवल पर जेलसी फील होती है कंपटीशन फील होता है गुस्सा फील होता है सब कुछ अरे आपको लिटरली माइंड एंड मैटर इज वन थिंग इसी से तो पता चलता है माइंड एंड मैटर आर नॉट टू थिंग्स कंटिन्यूएशन है माइंड का बिलीफ है ये मैटर तो और जब सेंसेशंस में बन गई तब पत्थर की बन जाती है बॉडी सॉलिड कॉन्क्रीट हो जाती है बिलीफ में हा? मान्यता में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेशंस का काम है अनुभव को रियल फील कराना इसलिए उनको ये बोला मैंने कि आपकी जो कहानी है ना सेंसेशंस के साथ थोड़ा उसको बाबा को दे दो ना आपको क्यों पकड़नी है कहानी कि वो वो ऐसा हुआ उसने मेरा ले लिया ये कर... आपको क्यों पकड़ना है उसको उसको आप थोड़ी थोड़ी देर देर के के लिए लिए जो कहानी अटैच ना मिनट मिनट दे दो भी नहीं बस टाइम की लिमिट नहीं लगाई मैंने कहा थोड़ी देर के लिए दे दो क्योंकि फिर वो टाइम टू थ्री फोर आ जाएगा मिनट और वो लग जाएगी लिमिट हाँ तो मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए बाबा को दो अब बताओ सेंसेशन प्रॉब्लम है बाय सेल्फ नो no. कोई कहानी नहीं उसके साथ प्रॉब्लम है नो no. नहीं है राइट प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उन्होंने देखा सेंसेशन में जस्ट न्यूट्रल है फील हो रहा है अनकंफर्टेबल है मैंने कहा अच्छा अभी अनकंफर्टेबल की भी ये हटा दो भाषा ये भी तो भाषा ही है ना ये भी भाषा हटाओ अनप्लेजेंट है अनकंफर्टेबल है ये भी हटाओ तो उन्होंने वो भी हटाया दिस इज हाउ यू हैव टू इन्ट बिना investigation के नहीं होने वाला। उपर उपर लगाने से कुछ नहीं होता है निशन से नहीं आता हैॉडी है। नहीं हूं पहले तो ये उसको बहुत क्लियर होना होता है फिर बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है क्योंकि अब मेरा जब सत्य पता चलता है मुझे कि एक्चुअली में सेंसेशन प्रॉब्लम है ही नहीं मैं सेंसेशन से नहीं बनी हुई हूँ सेंसेशन मुझसे बनी हुई क्योंकि हमने उनको लेबल लगा दिया है इसीलिए वो कंबाइन होके फिर हम लगता है कि वो थॉट प्लस मैन थॉट प्लस है ना तो सिर्फ थॉट थॉट नहीं बहुत मेंटल गेम हो जाएगा वो तो सेंसेशन मेक्स इट फील रियल या तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आत्मा बाबा के साथ क्लियरली देखूं इस चीज को वो आत्मा मैंने कहा भी एक बार नहीं आपको अपने सत्य में रहकर जितनी बार आपको ये रियल फील होगा उतनी बार आपको बाबा के साथ ऐसे खुशी से देखना होता है क्योंकि आत्मा को बहुत मजा आता है इसको देखने में। दिस इज इंट्रोस्पेक्शन थॉट के लेवल पर नहीं होता इंट्रोस्पेक्शन सेंसेशन के लेवल पर इवन मोर डीप इंट्रोस्पेक्शन तब मैं के लिटरली काट रही हूं

Yes. चलते फिरते भी पूरा भान तो क्या है ये सेंसेशंस चल रही हैं और सेंसेशंस को एक बॉर्डर भी दे दी है साइज भी दे दी है वेट भी दे दी है रंग भी दे दिया है जेंडर भी दे दिया है रूप भी दे दिया है सब कुछ तो सेंसेशन को ही दिया है।, है ना तो ये ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है और इतने इतने आपको क्योंकि माइंड क्या होता है ना जैसे ड्रीम स्टेट में क्या होता है हमारा माइंड mind... अभी वेकिंग स्टेट में हमें जो दिख रहा है ना वो बहुत कम दिख रहा है ड्रीम स्टेट में थोड़ा एक्सपैंड होता है ज्यादा दिखता है रिलैक्स होता है माइंड तो ज्यादा दिखता है ऐसे ही मेडिटेशन में भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो ज्यादा दिखता है सेंसेशंस भी ज्यादा ज्यादा आएंगी ऊपर ऐसा लगेगा जैसे कोई बॉडी तो हिल गई है जो नाम मात्र की बॉडी पूरी हिल गई है ऐसी ऐसी सेंसेशंस आती है बॉडी के बॉडी में नहीं माइंड के अंदर फील होती है ऐसी घबराहट रेस्टलेसनेस क्या क्या नहीं फील होता है यू नीड आई एम नॉट दिस बॉडी पहले तो ये देखना मैं ये बॉडी मतलब मैं ये सेंसेशंस की बॉडी नहीं हूं सेंसेशंस mm बॉडी -hmm. नहीं है सेंसेशंस एक एक्सपीरियंस है माइंड में ये क्लैरिटी आना उसके बाद आई एम नॉट द बॉडी का मतलब दीदी अब समझा है Ah. तो यही समझ रहे थे आई एम नॉट द बॉडी आई एम नॉट द बॉडी पर उसका डेप्थ की जो मीनिंग है एब्सोल्युटली कि है सेंसेशंस का जो एक्सपीरियंस है वो कोई अलग कोई उस मोल्ड के अंदर डाल के नहीं बिठाया हुआ है सेंसेशंस okay. का एक्सपीरियंस सेंसिंग का एक्सपीरियंस है आत्मा के अंदर ओके okay. इसलिए अनुभव हमने बोला ना बॉडीज आर नॉट बॉर्न फ्रॉम बॉडीज माइंड्स आर बॉर्न फ्रॉम माइंड्स तो ये समझना कितना जरूरी है कि देह से देह का जन्म नहीं हुआ है मन से मन का जन्म हुआ है तो मैं देखती सेंसेशंस क्या है एक सेंसिंग का एक्सपीरियंस है आत्मा के अंदर जो कि पूरे अनुभव को इतना तभी तो एकदम प्लेजेंट जब अनुभव होता है ना मेडिटेशन में बॉडी में बॉडी में नहीं अगेन सेंसेशंस में फील होता है उसका एडिक्शन है वो सेंसेशन वापस चाहिए मुझे सागर मतलब क्या इसलिए रिडंडेंट हो जाता है उसके बाद आकाश और बादल अब उसके बाद सागर और सब स्वप्न इट्स रियली मेड आउट ऑफ मी ना तो प्लेजेंट सेंसेशंस में हूं ना अनप्लेजेंट सेंसेशंस में हूं दोनों ही मुझसे बनी हुई है जब ये पता चलता है देन थॉट्स एंड बॉडी टेक्स योर फॉर्म अब बॉडी मैटर okay. नहीं फील होगी अब बॉडी हाँ जी राघव भी शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है अपने ऊपर <laughs> हाँ तो राघव शेयर करेंगे इसके ऊपर अपना अनुभव एंड इट्स Because that soul's part was too much in sensations, trapped in sensations. So he will share his experience at the end. We will ask him to share. But it's very important to know it's not just about thinking and thoughts, it's about sensations. Question related to this is: ki sensations, what se you yeah. Atma ko. सेंसेशंस भी किससे बनी हुई है सेंसिंग का एक अनुभव है ये भी आत्मा के अंदर सिर्फ एक अनुभव है आई नो कि मैं ये अनुभव कर रही हूं आई एम द नोअर आई नो दिस एक्सपीरियंस आई एम नॉट सेंसेशन मैं सेंसेशन नहीं हूं सेंसेशन मुझसे बनी है सागर से लहरें बनी हुई है लहर सागर नहीं है सागर से लहरें बनी हुई है बेसिकली आई एम द नोर ऑफ दैट सेंसेशन आई एम नॉट सेंसेशन नॉलेज आई एम द नॉलेज मैं no. प्रकाशित कर रही हूँ मेरे बिना सेंसेशन कहाँ होंगी no. तो धीरे धीरे उसकी सॉलिडिटी मेल्ट होने लगती है और बॉडी लाइट की फील होने लगती है पता है सूक्ष्म शरीर एंड yeah. आपने एक और बात कही ना माइंड से माइंड पैदा एक्सप्लेन ah. तभी तो बोलते ना एक संस्कार के जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में जाते हैं क्यों बोलते हैं बाबा ऐसे हा? हमने एक बार बताया था भवर हम्म hmm. hmm? समंदर के अंदर भंवर होता है वो भवर जब डिजॉल्व होता है ना उसका कुछ रेजिड्यू बचता है वो रिपल्स के थ्रू दूसरे भवर में भी जाता है तो जब ये माइंड डिजॉल्व होता है ना ये माइंड जब हम बोलते हैं ना एम्बॉडीड एक्सपीरियंस एम्बॉडीड एक्सपीरियंस मतलब संस्कारों को एम्बॉडी किया है मैंने उसको बोलते हैं एम्बॉडीड एक्सपीरियंस Embodied experience, कोई मैटर को नहीं किया है मैंने पहना embodied experience मैंने संस्कारों को एम्बॉडी किया है उससे बॉडी बनी है अब वो बॉडी मतलब वो माइंड डिजॉर्व होगा तो दूसरे संस्कारों को एम्बॉडी करूंगी पर थोड़े पुराने वाले संस्कार साथ में जाएंगे जिससे मैंने अपनी पहचान बनाई थी वो लहर में जाएंगे मेरे साथ दूसरे वाले भंवर में पीछे नहीं छूटने वाले जो, जो मैं मैं हूं वो साथ में जाएंगे बॉडी उससे बनी हुई आत्मा के ही अंदर हो रहा है ये सारा खेल आत्मा के बाहर कुछ नहीं है सब सागर के अंदर है भवर सागर से बाहर नहीं है भंवर है ना सागर के अंदर एक भंवर से दूसरे भंवर दूसरे भंवर से तीसरे भंवर तो दीदी शुरू से जो संस्कार रहते हैं वो सारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं या कुछ छूटते हैं कुछ कैरी फॉरवर्ड होते हैं जिन संस्कारों को अभी तक मैपन है वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं एज अ प्ले ऑफ फॉर्म मैं फॉर्म के प्ले पर बात कर रही हूं आकारी प्ले में है ना वो होते हैं पर वो सब है तो आत्मा के ही अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सब आत्मा के ही अंदर हो रहा है आत्मा इसके अंदर नहीं है ये आत्मा के अंदर है, है ना हाँ एक ड्रीम से दूसरा ड्रीम दूसरा ड्रीम से तीसरा ड्रीम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फिर ड्रीमर तो वहां के वही है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए हम संस्कारों के ऊपर काम नहीं करते हम मैं कौन पे देखते हैं कि वो तो फिक्स्ड प्ले ऑफ फॉर्म्स चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा उस पर कहां जाना है मैं कौन मैं मैटर अगर मैं मैटर की नहीं हूं तो फिर दुनिया भी मैटर की नहीं है मैं मैटर की हूं तो दुनिया भी मैटर की है मैं लाइट की हूं तो दुनिया भी लाइट की है और बॉडी भी लाइट की है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बिलीव हमारा मैटर में किस हद तक हमें खा चुका है खा गया चबा गया है उसके बाद बर्फ भी नहीं करता है <laughs> इट्स वेरी डीप रूटेड हाँ है हाँ. ना इसलिए फिर हमने उस आत्मा को यही बोला जब जेलसी और ये सब देखा ना उसने ये सब पूरा काम किया बकायदा अपने ऊपर फिर मैंने कहा अब सामने वाली आत्मा को भी देखो और अपनी बॉडी को आपने पहचान लिया आपके अंदर सेंसेशंस और संस्कारों के रूप में है उसकी बॉडी क्या है क्या कोई नाम रूप का पर्सन है वहां और क्या उसने कोई है वहां जिसने आप जो अपने आप को मैटर की और माइंड की बॉडी समझ रहे थे जिससे कुछ लिया दोनों ही नहीं है तो किसने किससे लिया और किसने किसको दिया इतनी समझ के बाद ये सेंटेंस बोला है हमने ऐसे नहीं बोल दिया अच्छा हाँ कोई है नहीं वो नहीं ऐसे नहीं पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद बोल सकते हैं तो उन्होंने कहा कि बट मैं कभी ऐसा नहीं करती पहले उसमें मैं भूल गई बीच में वो बताना उन्होंने जो कहा कि मैं पह, मैंने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया मैंने कहा वो आपका ब्यूटिफुल कर्म है ना कर्म मतलब क्या आपने अपने सत्य को जाना ना आपने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और अपना नाम नहीं लगाया इट्स ओके okay. वो उसका अपना जाने वो आप वो उस आत्मा का अपना पार्ट है वो खेल रही है ना उसका प्ले ऑफ फॉर्म्स चल रहा है आपका प्ले ऑफ फॉर्म्स चल रहा है आपको उसको थोड़े ना कॉपी करना है उसके पार्ट को धीरे 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 फिर पता चला उसको कि वो नहीं है जैसे मैंने सोचा वो वो नहीं है मैंने जैसे सोचा मैं मैं नहीं हूं कुछ बचा ही नहीं फिर नथिंग लेफ्ट इट्स जस्ट मी बीइंग एंड बाबा देर आर नो पीपल देर आर नो टास्क देर आर नो प्लेसेस

थैंक यू बाबू राघव प्लीज रेज योर हैंड ना ओम शांति ओम शांति हाँ जी दीदी तो इसका जो सेंसेशन के साथ बहुत है ना फियर का था भी, अभी भी है बट काफी रिड्यूस हुआ है तो फियर का इससे था कि जो फादर पार्टनर सोल है ना तो वो एक्सेप्टेंस नहीं थी उस पार्ट से अभी भी नहीं है कि ज्ञान को सुनने के लिए तो जब जाता था ना सेंटर पे तो दो तीन बार ही ऐसा हुआ ही केव एट द सेंटर एंड वो आके ले लेके गए एंड उस टाइम पे उन्होंने बोला भी डांटा भी थप्पड़ भी मारा सब कुछ हुआ तो वो सेंसेशंस ना कहीं पे उस टाइम पे इतने अंदर पकड़ के बैठ गया मन बुद्धि तो उसके बाद भी जब सेंटर जाता था ना तो दो तीन बार तो ऐसा हुआ डर के कारण भाग गया सेंटर से भाग गया वहां पे बैठा नहीं गया सेंटर से डर के कारण सेंसेशन इतनी इंटेंसिटी भाग आया बट जब से अब ये ज्ञान स्टार्ट किया ना सुनना अब जब सेंटर पे जाता हूँ तो अभी भी सेंसेशन पूरी बॉम्बार्ड करके ऊपर आती हैं हर चीज होती है ऊपर कहीं तो वो आ ना जाए पूरा देखता हूँ जब डोर खुलता है ना सेंटर का तो उधर जाती है नजर वो तो नहीं आ गया पूरी बॉडी में एक झंझटाहट होती है पूरा सब कुछ प्ले चलता है बट अब ये इन्वेस्टिगेशन चलती है फिर बाबा के साथ बाबा ये कौन है जिसको ये फील हो रहा है कौन है कौन है कौन है, कौन है? फिर बाबा धीरे 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 इन्वेस्टिगेट करवाते 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 आते हैं इसका मीनिंग हटा दे सेंसेशंस अगर बॉडी नहीं है आंखें बंद कर बॉडी दिख रही बाबा बॉडी नहीं है फिर ये सिर्फ एक थॉट है जिसको मीनिंग दिया किसने मीनिंग दिया बाबा मेरी समझ ने मीनिंग दिया अब समझने मीनिंग में अगर समझ भी ना हो अगर मेमोरी ना हो तेरी मेमोरी ना हो मेमोरी लॉस हो जाए तो क्या वो है अगर अगर उसको टाइटल ना दिया हो फादर ना टाइटल दिया होता या कुछ और टाइटल दिया होता तो वो है अब कुछ नहीं करते 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 मेल्ट करके बिल्कुल बाबा आत्मा तक ले आते हैं जैसे तेरे अंदर सेंसेशन है वैसे वो भी सेंसेशन वो भी सामने फिर दिखता है वो भी एक मेरी माइंड की इमेजिनेशन है प्रोजेक्शन है जो मेरे को लग रहा है कि वो वैसे है वो अलग है मैं अलग हूँ वो इधर आ जाएंगे वो उधर आ जाएंगे फिर ये भी आता है कि साथ में कि ना आत्मा कोई कहीं आना ना आत्मा सेंटर आई है ना आत्मा कोई घर पे है ना कोई सेंटर आ रहा है ना कोई जा रहा है तो फिर ये किसको लग रहा है किसको लग रहा है फिर आता है बाबा बोलते हैं बच्चे भूत है बस और कुछ नहीं है भूत है तेरे अंदर बैठा हो बाबा भूत है भूत है बस वो धीरे धीरे करके मेल्ट अवे हो रहा है हो रहा हो रहा हो रहा अब वो सेंसेशन में आता है अब सेंसेशन से भी उसका कम हो गया पार्ट एंड ये भी देखा कि जो जिस स्कूल uh, के साथ ये ऐसा बार बार ये टच होता है ना अभी जो अगर कुछ होता भी है ना आगे अगर चलता था ना उसका इफेक्ट uh, चलता था आफ्टर इफेक्ट कुछ ज्यादा दिन कैरी फॉरवर्ड होता था पांच लक्ष से पांच दिन दस दिन उनके साथ कुछ बात हो गई पांच दिन दस दिन पंद्रह दिन में भी चलता रहता अब देखा है कुछ दिन पहले कुछ हुआ नेक्स्ट डे देर वॉज नथिंग क्योंकि मैंने कुछ उसको परसिश नहीं किया मैंने उसके साथ मैपन खुद का नहीं लगाया इन्वेस्टिगेट करके उसको उधर ही खत्म कर दी हाँ वो माइंड बॉडी में रहा सब कुछ रहा बट वो उनकी तरफ से भी वैसा नहीं रहा उनकी तरफ से भी वैसा मेरे को शो आपने कहा क्योंकि मेरे तरफ से प्योर वाइब्रेशंस उनको गए एंड काफी चीजों में ऐसा इन्वेस्टिगेट करते 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 ही पीछे आना पड़ता तभी ये सेंसेशन कम होते हैं Absolutely. Thank you so much. Very detailed and very beautifully shared. ये इम्पोर्टेंट है ना बहुत जैसे जैसे सेंसेशन बंद होती है पता चलता है आत्मा तो कहीं आती जाती नहीं है ये बंडल ऑफ सेंसेशन जब लगता है ना मूव हो रहा है कुछ मूव हो नहीं रहा है कोई जगह नहीं जा मैं जा रही हूँ कोई जगह नहीं जा मैं बैठी हूँ इट्स जस्ट आई दींग सीन थ्रू कर्मेंद्रिया दैट्स इट प्योरिफाई हो गई कर्मेंद्रियां है ना जैसे मान लीजिए अगर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है इस कमरे में जरूरी नहीं कि उस सिक्योरिटी कैमरा से देखने वाले को इसी घर में बैठना होगा वो कहीं इंडिया में बैठकर भी देख सकता है सिक्योरिटी कैमरा से तो जो आंखों के पीछे बैठे ना जरूरी नहीं कि उसको बॉडी में बैठना है बॉडी सॉलिड ही नहीं है hmm. right. वो तो टाइम टाइम और स्पेस से परे वाली आत्मा देख रही है इन कर्मेंद्रियों के थ्रू मन की कोई बॉडी सॉलिड है नहीं हम कर्मेंद्र को डिनाई नहीं कर रहे हैं पर कर्मेंद्रिया मेरा ही अनुभव है उसके थ्रू मैं देख रही हूं बट आई डोंट हैव टू बी इन दिस सॉलिड लुकिंग माइंड क्रिएटेड संस्कार क्रिएटेड बॉडी सिक्योरिटी कैमरा को यूज करने वाला इंडिया में बैठ के देख सकता है कैमरा की आंखें यहां है बैठा इंडिया में रिलेटिवली स्पीकिंग तो आत्मा को भी जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर बैठ के ही दिखेगा सब कुछ बॉडी सॉलिड नहीं है गेट इट थ्रू एक्सपीरियंस नॉट थ्रू जस्ट थिंकिंग 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 अबाउट इट एक्सपीरियंशियली देखना होगा कैसे सेंसेशन जो भाई भाई ने अभी शेयर किया है लिटरली आपको वॉक बैक करना पड़ता है वॉक फॉरवर्ड नहीं वॉक बैक है ना इतना इंपॉर्टेंट है ये थॉट प्लस सेंसेशन प्लस कर्मेंद्रिया और प्लस मैं टू इट ये बनता है नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ तो उसको जब तक वो मैं इस्टेब्लिश नहीं हो जाता सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स पे काम करने से कोई फायदा नहीं संस्कारों पे काम करने से कोई फायदा नहीं है जो ये पता चल जाए मैं कौन हूं और ये जिसके आधार पर मैं जी रही हूं जीवन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो भूत है जब तक ये क्लियरली नहीं दिखेगा कि तब तक ना बॉडी ट्रांसपेरेंट होने वाली है मतलब लाइट की महसूस नहीं होगी और ना ही कर्मेंद्रियां लाइट की महसूस होंगी इन्वेस्टिगेशन ओके जी थैंक यू बाबा